हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग केस। इस बीम के लिए जिसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, बट अब की बार कंप्लीट लेंथ पे यूडीएल नहीं है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें कंप्लीट लेंथ पे यूडीएल लगा हुआ था। इस केस में कंप्लीट लेंथ पे नहीं है, टोटल लेंथ तो एल है और उसकी ए डिस्टेंस पे, टोटल लेंथ तो एल मीटर की है और ए मीटर लेंथ पे यूडीएल लगा हुआ है। आपको बताना है कि इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शंस निकालते हैं। यहां पर भी रिएक्शंस निकालेंगे, तो पहले निकालते हैं आर ए। आर ए क्या होगा, जितना लोड ये लग रहा है उतना ही ए पे आएगा। तो ए पे कितना लोड है, W इंटू ए, W इंटू ए। देखो लोड नहीं है ये, एक्चुअल में लोड पर यूनिट लेंथ है। कितनी लेंथ में लग रहा है, ए लेंथ में, तो कितना हो गया W इंटू ए। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपवर्ड, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो इस पे कैसा लगेगा, अपवर्ड। अब निकालते हैं एम ए, मोमेंट एट पॉइंट ए। ए मतलब रिएक्शंस, दो ही रिएक्शन होंगी, एक तो मोमेंट आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन। ये लोड एक तो ए पॉइंट को झुकाएगा और एक मोमेंट क्रिएट करेगा, तो दोनों को अपोज करेगा, इसीलिए इसमें दो रिएक्शन आएंगे। अब एम ए देखते हैं, एम ए क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, डब्ल्यू इनटू ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कहां पर एक्ट करेगा इसकी, इसका सीजी कहां पर होगा, इसका सेंट्रोइड कहां पर होगा, बिल्कुल सेंटर में। ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अगर ए डिस्टेंस है तो कितने पे एक्ट करेगा, ए बाई टू पे, ए बाय टू। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये इसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो ए इसको एंटी क्लॉकवाइज में रजिस्ट करेगा। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, डब्ल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आपने रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली है, अब आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पहले हम बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। कैसे करते हैं, पूरी बीम को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इस बीम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, बी सी और ए बी। तो पहले मैं बनाऊंगा फोर सेक्शन बी सी, बी सी के लिए मैं करूंगा। ठीक है, तो वहां पर कोई भी आप सेक्शन ले लीजिए एक्स एक्स डिस्टेंस पे, किसी एक्स एट एंड डिस्टेंस, एट डिस्टेंस एक्स, टेक वन सेक्शन एक्स एक्स और उस पर निकालिए शियर फोर्स, क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां पर तो कोई लोड ही नहीं है। तो लोड नहीं है तो कोई शियर फोर्स भी नहीं होगा, इसका मतलब एस सी सी पॉइंट पे कितना होगा शियर फोर्स, जीरो। बी पॉइंट पे भी शियर फोर्स कितना होगा, जीरो। चलो इसका मतलब हमने पहले दो पार्ट में डिवाइड की है मैंने बीम को, बी सी और ए बी। तो मैंने बी सी पे देखा कि कोई भी शियर फोर्स नहीं है। अब हम देखते हैं फोर सेक्शन, फोर सेक्शन ए बी। ठीक है, अब ए बी पे भी मैं वही काम करूंगा। अब इसको मिटा दीजिए आप, इस सेक्शन को कहां पर एज्यूम करेंगे, अब की बार ए बी में कहीं पर भी एज्यूम कर लो आप। चलो मैं यहां पर कर लेता हूं, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी फ्री एंड एज्यूम कि कोई आपने सेक्शन लिया है। ठीक है, अब इस जगह पे आपको क्या निकालना है, शियर फोर्स निकालना है यहां पर। अब ध्यान से समझिए, शियर फोर्स का मतलब क्या है, जितना लोड लग रहा है पर यूनिट लेंथ में उसको यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल डिस्टेंस कितनी है x, पर कितने पे लग रहा है ये, देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये है l माइनस a। ठीक है, तो x डिस्टेंस तो टोटल है, इसको इसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगी, ये वाली डिस्टेंस बचेगी, दैट मींस x माइनस l माइनस a। तो लोड क्या हो गया, w इंटू एक्स माइनस L माइनस ए। ध्यान से समझ ले, देखो लोड पर यूनिट लेंथ है, इसको लेंथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है टोटल, तो यहां से यहां तक कितनी x है, ये इसको माइनस कर दी, ये बचेगा, ये कितना है मेरा L माइनस ए, तो x माइनस L माइनस ए। तो ये क्या आ गया, W इंटू एक्स माइनस L प्लस ए। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एट पॉइंट बी, बी पे निकाल लेता हूं, बी पॉइंट पे देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स की, एल माइनस ए। तो जहां पर
लिख देता हूं मैं x इक्वल टू एल माइनस ए, तो जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर क्या कर दीजिए एल माइनस ए माइनस एल प्लस ए, तो क्या आ गया जीरो आ गया कट गए। तो इसका मतलब एट पॉइंट बी शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी जीरो, क्या आ गई जीरो। अब निकालते हैं किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं एस ए, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है एल, ध्यान से समझिए ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ते बढ़ते क्या कहां पहुंच जाएगी एल, टोटल क्या हो जाएगी एल वैल्यू। तो जहां पर भी एक्स लिखा हुआ है इस इक्वेशन में वहां पर क्या कर दीजिए आप एल कर दीजिए, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई एस ए इक्वल टू डब्लू इंटू एल माइनस एल प्लस ए, ए सी कट गया तो क्या आ गया डब्लू इंटू ए, क्या आ गया एस ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी डब्लू इंटू ए। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, डाउनवर्ड साइड में राइट साइड में पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव है, कैसा है ये सारी वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। तो मैंने वैल्यू निकाल ली है, मुझे डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाते हैं चलिए। डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बिल्कुल बीम के आपको नीचे बनाना है, तो ये बीम है इसके नीचे बनाता हूं डायग्राम। चलिए ये पॉइंट क्या है सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है, डायग्राम बनाते हैं। सी पॉइंट में मुझे बताइए सेक्शन बी सी में तो कुछ है ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है आपका, सी एफ जीरो है। बी बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी सेक्शन में बताइए मुझे बी पे कितना है जीरो, ए पे कितना है डब्लू इंटू ए, इसका मतलब ऐसे बढ़ते हुए जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में है दिस, ठीक है बी पे जीरो है ए पे कितना है डब्लू इंटू ए, डब्लू इंटू ए, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन गया सी एफ फोर्स डायग्राम, तो ध्यान से बनाना है आपको, ये देखना है कहां से लोड लग रहा है कितनी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सी एफ फोर डायग्राम। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कौन सा बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसको नोट कर लीजिए, ये क्या है आपका शियर फोर्स डायग्राम हमारा बन चुका है, जिसमें ए पॉइंट पे डब्ल्यू ए वैल्यू है शियर फोर्स की, बी पॉइंट पे जीरो है, सी पे भी जीरो, बी सी में कोई शियर फोर्स नहीं है, और जबकि ए बी पॉइंट में किस टाइप से बढ़ रहा है ये इंक्लाइन लाइन बढ़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब बनाते हैं इस पे हम मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए ध्यान से समझिए मोमेंट डायग्राम किस टाइप से बनाएंगे हम, चलिए मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं बेंडिंग, चलो यहां पे करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए आपको मैंने वही बताया था कि पूरी बीम को डिवाइड कर दो, किसमें पार्ट में डिवाइड कर दो, तो यहां पे दो पार्ट होंगे बीसी और एबी, तो पहले मैं करता हूं फोर सेक्शन बीसी, बीसी के लिए मैं किसी पॉइंट पे किसी भी जगह पे आप मोमेंट निकालोगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी जीरो, कुछ है ही नहीं, कोई लोड भी नहीं है, लोड ही नहीं है तो मोमेंट कहां से आएगा। तो इस केस में एम सी की वैल्यू भी जीरो है और एम बी की वैल्यू भी जीरो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे फोर सेक्शन ए बी, ए बी सेक्शन के लिए करते हैं आपकी बात, चलिए तो ए बी सेक्शन के लिए कैसा करना पड़ेगा, इस सेक्शन को कहां पर ले जाते हैं ए बी पे, कहां पर ले जाते हैं ए बी पे, तो अब की बार में यहां पर एज्यूम कहीं पर एज्यूम कीजिए आप ए बी सेक्शन में किसी भी जगह पर आप कोई एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन एज्यूम कीजिए एट ए डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस हमेशा फ्री एंड से लेनी होती है, कहां से लेनी होती है फ्री एंड से, ध्यान रखिए इस चीज को। तो अब मैं निकालता हूं mx, क्या निकालता हूं मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन x, तो मैंने देखा कि लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो यहां पे तो कोई लोड ही नहीं है बीसी में, यहां पर एक लोड है
तो लोड कितना है पहले W इंटू ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है W इंटू ये डिस्टेंस, टोटल क्या है x, ये कितनी है l, l माइनस है तो ये कितना हुआ x माइनस l माइनस a, तो कितना हुआ W इंटू x माइनस l माइनस a। अभी तो ओनली लोड बना है, इंटू डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए लोड कितने में लग रहा है यहां पर, तो लोड इंटू ये डिस्टेंस तो बन, ये तो है लोड पर यूनिट लेंथ, तो इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करके अभी बन गया मेरा लोड। अब बताइए इनटू डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी इसके सीजी में एक्ट करेगा, ये पूरा लोड कहां पर एक्ट करेगा सीजी में, सीजी मतलब इसका हाफ, तो ये वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट किया इसका हाफ कर दीजिए, दैट मींस एक्स माइनस एल माइनस ए डिवाइडेड बाय टू। अब ये बनाए मोमेंट, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस L माइनस ए का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, चलिए यहां पर कर देते हैं। तो mx की इक्वेशन क्या आ गई आपकी, लोड W डिवाइडेड बाय 2 इनटू x माइनस L प्लस ए, ठीक है, ये आ गया। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पहले B पॉइंट पे निकाल लेता हूं मैं, फिर A पॉइंट पे निकाल लेता हूं, चलिए तो पहले निकालते हैं B पॉइंट पे, B पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा B पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो गई l माइनस a, तो जहां पर भी x है वहां पर क्या कर दीजिए आप l माइनस a, और ये क्या माइनस l प्लस a, कट गया आपका जीरो हो गया, उसका मतलब mb कितना आ गया जीरो, मोमेंट एट पॉइंट b कितना आ गया जीरो। अब निकालते हैं a पॉइंट पे, a पॉइंट पे निकालने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप l, क्या पुट करोगे l, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू l पुट कर दीजिए w बाई टू l माइनस l प्लस a, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये आपका एल से एल कट गया, तो डब्ल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, डब्ल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये आ गई हमारी मोमेंट। अब डायग्राम बनाते हैं इसका, चलो ए सी पॉइंट पे जीरो है, बी पॉइंट पे भी जीरो है, इसका नाम है सी, इसका नाम है बी। अब बताइए ए पॉइंट पे कितना है, ए पॉइंट पे है देखो, अच्छा ये देखिए नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमने साइन नहीं लिया अभी, यहां पर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये मोमेंट हॉगिंग कर रही है, हॉगिंग, तो आगे नेगेटिव आएगा सभी में, क्या आएगा नेगेटिव, आपको साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि साइन से आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो डायग्राम है वो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, तो ये नेगेटिव है तो ये नीचे बनेगा, कितना बनेगा नीचे, ये पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि ये इक्वेशन किसमें है स्क्वायर में, तो पैराबोलिक फॉर्म आएगी, यहां पर क्या है ये आपका डब्ल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, और ये नेगेटिव डायग्राम है पूरा, तो ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बड़े ध्यान से करना है, आपको ये देखना है कि पूरी बीम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद पहले पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, जीरो आएगा, तो आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम दोनों ही स्ट्रेट लाइन बनेंगी, उसके बाद हमें देखना है कि शियर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट की। ओके, थैंक यू।